फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही यमी नाश्ता बनाने जा रही हूँ, पकौड़ी। और बस उसी के लिए मैंने थोड़ी सा प्याज, थोड़ा सा बंद गोभी और थोड़ी सी क्या बोलते हैं पालक वगैरह काट ली है, मिर्च, हरी मिर्च वगैरह। और काटते हुए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं काटा है, ऐसे ही रफली चॉप्ड कर लिया है। और इसमें ऐड किया है बेसन, और थोड़ा ज़्यादा है ना इसलिए बेसन की क्वांटिटी भी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की है। और इसमें एक चीज़ और बनाए मिलाएंगे ताकि जो हमारी पकौड़ियाँ हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगी। ये मैंने मिलाया है चावल का आटा। चावल का आटा मिलाएंगे ना तो पकौड़ी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और इसमें फिर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, धनिया है, हल्दी है और जीरा है, थोड़ी सी मिर्ची है, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ही गरम मसाला है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर ये भी ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी अदरक क्रश करके ऐड कर दें, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर नमक ऐड करने के बाद में ना, इसको मैंने पहले ऐसे ही मिक्स कर लिया है क्योंकि इसको अच्छे से वॉश करेंगे ना तो थोड़ा सा पानी रह जाता है, इसी वजह से इसको ऐसे ही पहले मैंने मिक्स किया है। इसके बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ अभी इसमें पानी ऐड करना चाहिए, तब मैंने इसमें पानी ऐड किया थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी ना हो जाए। और ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करके मैंने रेडी कर लिया है बिल्कुल। और अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मम्मी बोलती है यहाँ पे पापड़ भून लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले पापड़ भी हो जाएंगे थोड़े से और थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों को पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो इसीलिए। तो तीन पापड़ भूंजे थे, अलग अलग तरीके के, चावल के थे, रवा के थे और आलू के भी चिप्स थे, तो वो। और अब स्टार्ट करते हैं पकौड़ी बनाना। तो थोड़ा थोड़ा लिख के मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ी डालने के बाद में इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे, अच्छे से पलट लेंगे और इसके बाद में ही इसको निकालेंगे, क्योंकि और स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। अगर हाई फ्लेम पे पका देंगे ना तो कुछ पकौड़ी ऐसी होती है ना थोड़ी मोटी रह जाती है, तो अंदर से अच्छे से सिक नहीं पाती है, तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लिए मैंने। और बस रेडी हो गई है। तो लीजिए, सबसे पहले आप लोग एक बार टेस्ट करके देखिए ये कैसी बनी हुई है। और चटनी बनाई है, खट्टी मीठी चटनी है, बहुत ही यमी टेस्ट है। प्लीज़ आप लोग एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिए और बताइए कैसी बनी हुई है। फ्रेंड्स, अभी ना सब लोगों को पकौड़ियाँ दे दी हैं और सब लोगों का हो गया है नाश्ता, और अभी मेरा होगा थोड़ा बहुत, तो यही अभी काफ़ी सारा बच भी गया है। आई थिंक ज़्यादा हो गया था, पकौड़ियों का सामान थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लिया शायद मैंने। आज बनी है पकौड़ी, आप भी खाइए आके, ये यम्मी यम्मी है। चलिए खाते हैं चल के। और फ्रेंड्स, नाइट में ना यहाँ पर मेरा बाबू ना तैयार हो रहा है। क्यों तैयार हो रहा है, क्या कर रहा है बताती हूँ। वो ना चुन्नी ऐसे लेके घूम रही थी और अपने सर पे बार बार डाल दी थी, तो पापा ने क्या किया, उसको ना साड़ी के तरीके पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो वो भी कितने अच्छे से पहन रही है देखिए, और इंजॉय कर रही है। और इसके बाद में उसने बहुत डांस किया, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। और ये मेरे छोटे छोटे से व्लॉग हैं, आपको कैसे लगते हैं, पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखिए बच्चे का डांस कैसे कर रही है, क्योंकि छोटी है अभी, उसको इतना आता नहीं है और डांस वगैरह मुझे भी बिल्कुल नहीं आता है, इसीलिए उसको सिखाया भी नहीं है। और यहाँ पर ना आज छत पे इसलिए हैं क्योंकि साइड में ही
भाई लोग चिकन वगैरह बना रहे थे तो घर पे नहीं बनता है तो छत पे ये लोग अपना बना लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं बनाने के बाद में। तो वहीं पर हम लोग बैठे थे और ये भी साइड पे डांस कर रही थी आराम से, ये एंजॉय कर रही थी। एक्चुअली सॉन्ग भी बज रहा था ना, तो इसीलिए वो और डांस कर रही थी और बोल रही थी देखो मैं कैसे ट्रग रही हूँ, देखो मैं कैसे डांस कर रही हूँ। तो ये हमारा चला रहा है। वैसे भी गर्मियों में शाम को थोड़ी देर ऊपर रहने तो अच्छा लगता है, माहौल भी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा फील होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।